गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी डिस्कस 11th लेक्चर ऑफ सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट 11th क्लास। तो हफ्ता वो डिस्कस किया था किसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हमने डिस्कस किया किसके बारे में अभी तक, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशंस के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशंस। बेटा ये जो टॉपिक है ये डिस्कस किया गया था, जब मेनली जब डिस्कस करते हैं इसको हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको अभी डिटेल जो डिस्कशन है वो 12th क्लास के अंदर है, अभी छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, जब टू और मोर कंपोनेंट से बनता है कंपाउंड। देखिए यहाँ पे, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। बेटा इसके हम क्या बोलते हैं, इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी ना दो सब्सटेंस से बनते हो, और ये क्या होता है, टर्शियरी भी बोलते हैं, मतलब तीन सब्सटेंस से बनते हैं। इट इज ए टर्नरी सॉल्यूशन, जो तीन सब्सटेंस मिलकर भी बनाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशंस। छोटे यहाँ पे दो छोटे छोटे टर्म्स आती है, एक को बोलते हैं लोग सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है बेटा, जो हमेशा स्मॉल अमाउंट में मिलता है आपको, ठीक है। और क्या होता है, ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, और ये क्या होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज इन ए स्मॉल अमाउंट। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर पाया जाता है। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या होता है आपका, जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व कराता है सॉल्यूट को अपने अंदर, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। द सब्सटेंस व्हिच द सब्सटेंस इन व्हिच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स। अब बड़ा क्या होता है, हाई अमाउंट के, ज्यादा अमाउंट के अंदर डिस्कस किया जाता है। इट इज ऑलवेज इन हाई अमाउंट, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग। फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में। टाइप्स मतलब कितने पार्ट में इसको डिस्कस किया गया है, इसको 9 पार्ट में जो है डिस्कस किया गया है। तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट और उसके एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस और ये गैस। तो देखिए बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट और उसके एग्जांपल्स। तो सॉलिड लिक्विड का और सॉलिड गैस का, लिक्विड सॉलिड का, लिक्विड लिक्विड का और लिक्विड गैस का, गैस सॉलिड का, गैस लिक्विड का और गैस गैस का, ठीक है बेटा। ये हो गया आपकी ये 9 टाइप्स के, 3, 3, 6 और 3, 9 टाइप्स हम डिस्कस करते हैं टाइप। तो एग्जांपल है कि बेटा सॉलिड सॉलिड एग्जांपल क्या होगा आपका, मोस्टली अलॉयज। अलॉयज जैसे हम लोग जैसे गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड और कॉपर का
मिक्सचर देखते हो आप लोग यहाँ पे, गोल्ड एंड कॉपर मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड एग्जांपल शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। सॉलिड गैस का एग्जांपल क्या हो बेटा, नेफ्थलीन या कैम्फर, कपूर की गोली, नेफ्थलीन, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं एयर के अंदर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे एयर की वजह से आते हैं क्या करते हैं गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, ये क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये गैस में डिजोल्व जाते हैं। लिक्विड सॉलिड है, लिक्विड कम अमाउंट में और सॉलिड ज्यादा अमाउंट के अंदर, क्या होगा इसके अंदर अमलगम, अमलगम किसका मिक्सचर होता है, मेटल यानी कि कोई सब्सटेंस है जैसे कॉपर है, आयरन है, जब उसकी रिएक्शन होता है सर मरकरी के साथ इट फॉर्म्स अमलगम। लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, अल्कोहल इन वाटर, जो शराब पीने वाले होते हैं क्या करते हैं सोडा डालते हैं, अल्कोहल कहते हैं पानी डालते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर अब आता है लिक्विड गैस का एग्जांपल, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन एयर कैसे बेटा, आपके एयर कितना ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, जब बारिश का दिन होता है ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, ड्राई डे होता है बहुत कम ह्यूमिडिटी रहती है वहां पे, ये डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट सॉलिड गैस, गैस सॉलिड एग्जांपल, अब गैस स्मॉल अमाउंट में और सॉलिड ज्यादा अमाउंट के अंदर, क्या एग्जांपल होगा बेटा यहाँ पे स्टील, ठीक है, और हाइड्रोजन इन मेटल्स, क्या बोलते हैं हाइड्राइड्स बोलते हैं। गैस इन लिक्विड, गैस स्मॉल अमाउंट में, लिक्विड ज्यादा अमाउंट होता है, कोक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट गैस, गैस के साथ बहुत आसान है, एयर कितने सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये आपके 9 टाइप्स के डिस्कस किए गए हैं, तो दोबारा देखते हैं क्या बड़ा आपने इसके अंदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, ये दोनों संरचना का बना हुआ होता है, इसको बाइनरी बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं, सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हाई अमाउंट के अंदर होता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉलिड सॉलिड लिक्विड, ये इनमें 9 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड एग्जांपल क्या होता है, अलॉय, सॉलिड लिक्विड एग्जांपल क्या होता है, सॉलिड लिक्विड एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है, सॉलिड गैस एग्जांपल कैम्फर है, लिक्विड सॉलिड एग्जांपल अमलगम है, लिक्विड लिक्विड एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड गैस का एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर, गैस सॉलिड एग्जांपल है स्टील, और गैस लिक्विड एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, और गैस गैस एग्जांपल है एयर। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे यहां पे मेजरमेंट्स के बारे में कि हम लोग सॉल्यूशन को कैसे मेजर करते हैं, हाउ वी मेजर द सॉल्यूशन। तो नोट डाउन करेंगे आप लोग यहां तक, फिर आगे चलता हूं। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो सॉल्यूशन में मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट है बेटा वो है परसेंटेज, फर्स्ट जो है वो है परसेंटेज, परसेंटेज में डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसे मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। देखिए पहला हमारा जो है बेटा वो है मास परसेंटेज, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। सेकंड है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ
solute dissolves in volume of solution into में 100, और हमारा थर्ड है बेटा वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये तीन फॉर्मूले डिस्कस किए गए यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। फोर ग्राम ऑफ शुगर dissolves in 16 gram of water. Calculate the mass percentage. तो बेटा देखो फॉर्मूला क्या है, मास मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला निकालेंगे आप लोग। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 16 ग्राम। नहीं बेटा 16 ग्राम क्या है वाटर है, तो 16 ग्राम क्या करोगे 4 ऐड करोगे तब सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 और इनटू में 100 क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 to the 4th कितना आ गया 20%। ये होता है आपका क्वेश्चन सेम वॉल्यूम के लिए और सेम मास बाय वॉल्यूम के लिए। सेकंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर बेटा इसके यूनिट क्या होती है वेट बाय वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा ग्राम पर लीटर। और अगर बेटा क्या हो इसका फॉर ml के अंदर क्वेश्चन हो, इसके अंदर ml के अंदर मिलीलीटर के अंदर हो तो क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग 1000 यूज करते हैं। हमारा थर्ड फॉर्मूला है, अब ये इंपॉर्टेंट है अभी हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है वो हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिस्कस भी नहीं किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट हमारा मोलारिटी, मोलारिटी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरली क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं भी आपसे। ठीक है मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। क्या होता है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। अब उधर मोल्स क्या होते हैं, मोल्स तो आए नहीं है ना, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है अब क्या पहले मोल्स निकालोगे फिर वैल्यू पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका, इफ क्वेश्चन कम्स इन मिलीलीटर डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब देन वी यूज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग यहां पे, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में गिवन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें ना आपको मोल्स निकालना अलग से ना आपको वॉल्यूम कन्वर्ट करना लीटर के अंदर या लीटर के अंदर। ठीक है तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolves in
250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट मोलारिटी, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, गिवन मास कितना है 4.9, एस्ट्रेस ऑफ मोलर मास कितना होता है 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और गिवन वॉल्यूम कितना है 250, पॉइंट आने के लिए 10 2 कैंसिल हो गया, 49, 2 5 10, 5 5 5 25, 1 by 5 5 5 25, 1 by 5 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
500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। कर सकते हो कैलकुलेटर, एम इक्वल टू मास कितना है 0.40 लिख लो, 0.4 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। मोल मास कितना हो जाएगा 0.4 ले लो, मोल मास कितना 40 × 1000, गिवन वॉल्यूम कितना है 500। एक दो तीन कितने जोड़ दे, तीन जोड़ दिया, 0.4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4 से 4 बन जाएगा 1/50, 5 × 100 कितना 0.202। तो ये आपके क्वेश्चन होंगे, ये आपके सॉल्यूशन होते हैं। ये था आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोलैरिटी, जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला होगा यहाँ पे, वो होगा मोलैरिटी। इसको हम नोट करते हैं स्मॉल एम से। इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा ही है। यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, मोल्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किसमें होता है बेटा यहाँ पे, मास में होता है, इन किलोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे फॉर्मूला वही, स्मॉल एम गिवन मास अपॉन में मोलर मास किसके लिए, फॉर डेसीमीटर फॉर ग्राम के लिए, ठीक है बेटा, इनटू में 1000 अपॉन में गिवन मास, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट। तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मोलर मास अपॉन गिवन। बेटा कोई भी क्वेश्चन करते हो ना, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे हमेशा। गिवन मास कितना है यहाँ पे 0.49, मोलर मास 98 इनटू में 1000 और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 25। पॉइंट आने के लिए दो जीरो से कैंसिल हो गया बेटा, 19 × 4 = 28, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, तो 1/5 और वह कितना आ जाएगा 0.2 मोलैरिटी, ठीक है। और देख लेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्स इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मोलैरिटी। M इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन में 40 × 1000 अपॉन में 250 बनाने के लिए जीरो आ जाएगा, एक दो तीन से तीन कैंसिल होता है 1/25 5 4 25 4 100.04।
ये आपके फॉर्मूले हैं, एक बार ये तीन फॉर्मूले डिस्कस करेंगे आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ। फोर चार फॉर्मूले डिस्कस हो गए हैं, परसेंटेज में तीन फॉर्मूले थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड डिस्कस किया स्ट्रेंथ, मास और सॉल्यूट इन ग्राम पर वॉल्यूम परसेंटेज ग्रेटर। थर्ड आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या डिस्कस करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम परसेंटेज इन लीटर। ठीक है, गिवन मास पर मोलर मास इन द सॉलिड और गिवन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला सॉल्व करते हैं और मोलैरिटी में भी सेम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम था, वहाँ पे सॉल्वेंट के लिए मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन करें, फिर आगे चलता हूँ नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट नोट ऑफ फिफ्थ नॉर्मैलिटी, देखते हैं नॉर्मैलिटी क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है बेटा, नॉर्मैलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा क्या होता है, जब अगर सर ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, आप नए नए ड्रम्स लेके आ रहे हो तो देखते हो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो तीन सब्सटेंसेस के लिए, किस चीज के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। एसिड के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आपका मोलर मास ऑफ एन एसिड अपॉन में बेसिसिटी। मैं बोलता हूं यहां पे एच पॉजिटिव आयंस, कितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस होते हैं आपके। ठीक है, सेकंड होता है बेटा आपका बेस के लिए, तो बेस के लिए हम डिस्कस करते हैं मोलर मास ऑफ एन बेस, ऑफ ए बेस अपॉन में एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस कितने हैं। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। और एक बात आपका सॉल्ट के लिए, बड़े तो सॉल्ट के लिए डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, मोलर मास ऑफ ए सॉल्ट अपॉन में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो बड़े इसके एग्जांपल देखते हैं फटाफट सारे के सारे। एसिड के लिए लेंगे आप लोग, एसिड के लिए लेंगे आप लोग, मान लो H2SO4 है। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है 98, कितने पॉजिटिव आयंस हैं दो, कितना आ जाएगा 49। बेस के लिए ले लेंगे आप लोग CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस में 32 प्लस में 2 अपॉन में कितने OH हैं 2 हैं, कितना दे रहे हैं यहाँ पे बताओ 74 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 5। ये आ गया बेटा आपका बेस के लिए, और आपका क्या होगा सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा NaCl ले लो, क्या हो जाएगा 58.5 अपॉन में कितना होता है नंबर पॉजिटिव आयंस 1, तो कितना बच जाएगा 58.5। ये आपके लिए एसिडिटी बेसिसिटी और सॉल्ट की डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला वो क्वेश्चन किसके अंदर हो, क्वेश्चन हो आपका इफ, क्वेश्चन इज इन सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट इनटू में 1000 अपॉन में गिवन वॉल्यूम, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolves in
250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, तो करो गिवन मास 4.9, एक्चुअल मास कितना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास 49, 90 डिवाइड 2 तो कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 1000 और गिवन वॉल्यूम 250 पॉइंट आने के लिए 80 49 बटा 20 क्या बेटा इससे 20 5 5 जा 25 5 2 जा 10 2 5 5 तो कितना आएगा 5 4 20.4 नॉर्मलिटी। एक क्वेश्चन है बेटा, ये आप खुद करेंगे यहाँ पे, dissolves in 500 centimeter cube of solution. Calculate normality and molarity both. ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, फ्रॉम मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी सॉरी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी which depends on temperature. तो कौन डिपेंड करेगा बेटा, मोलैरिटी। क्यों करता है मोलैरिटी, बिकॉज इट इज बिकॉज सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन volume of solution in liter when temperature increases volume increases, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आएगा। तो इसी तरह अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है बेटा मोल फ्रैक्शन के बारे में, देखते हैं यहाँ पे सिक्स फॉर्मूला। फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं x से, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे x a और x b, इसको बोलते हैं हम x a को क्या बोलेंगे हमेशा सॉल्वेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग हमेशा सॉल्यूट। किसके बराबर होता है यहाँ पे ये n a अपॉन में n a प्लस n b, और ये किसके बराबर होगा n b अपॉन में n a प्लस में n b। यहाँ पे एन ए क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और एन बी क्या होता है यहाँ पे आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ा है फॉर्मूला होता है एक्स ए प्लस में एक्स बी, इसके बराबर होगा वन के इक्वल होता है। नेक्स्ट सेवन मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन हम डिनोट करते हैं किससे, W से, W A और W B। W A किसके लिए होगा सॉल्वेंट के लिए, और W A किसके लिए होगा सॉल्यूट के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे W1 अपॉन में W1 प्लस में W2, और यहाँ पे W2 अपॉन में W1 प्लस W2, ठीक है बेटा, ये डिस्कस करेंगे। हमने एक चीज पढ़ा हुआ है W A प्लस में W B किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है कितनी होती है वन होती है, ठीक है। और लास्ट हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ppm, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर। इस फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं हम लोग कहां पे, जब एयर के अमाउंट में हमें डस्ट को देखना होता है, या वाटर के अंदर कितना
सॉल्ट प्रेजेंट है, तब इससे हम लोग डिस्कस करते हैं कितना ppm कहते हैं ना, पानी के अंदर कितना ppm अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्कस किया गया है। तो ये थे आपके बेटा सॉल्यूशंस के बारे में, नॉर्मैलिटी डिस्कस किया आपने, नॉर्मैलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, आपने क्या निकाला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट निकाला, फिर उस पर क्वेश्चन डिस्कस किए, ये इंपॉर्टेंट है करके देखिए करने हैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, आसान है। पहले आप मोलैरिटी निकाल लेना, फिर नॉर्मैलिटी क्या करना, जो आपका मॉलिकुलर मास निकलेगा उस मॉलिकुलर मास का समथिंग आएगा वो कितना आएगा 126 आएगा भाई मॉलिकुलर मास, मैं गिवन कर देता हूँ यहाँ पे, गिवन है मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 126, ठीक है, हो जाएगा उसमें मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन ppm, ये फॉर्मूला आप लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। तो मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा है कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में तो कौन सा जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मोलैरिटी करता है क्योंकि वॉल्यूम क्या करता है इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बेटा आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अब रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्यूशन के बारे में, तो वॉल्यूम हम उसको देखते हैं अभी रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम देखते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये डिस्कस होता है यहाँ पे। और देखेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड वॉल्यूम, बेटा ये जनरली डिस्कस किया जाता है इसके अंदर आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट मतलब आप जब नॉर्मैलिटी मोलैरिटी पे क्वेश्चन करोगे ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करोगे तब ये फॉर्मूले डिस्कस किए जाएंगे। क्या होता है इसका मतलब, वन मोलर का मतलब होता है बेटा मोलर सॉल्यूशन यानी कि मोलैरिटी कितनी होगी वन होती है, ठीक है, 0.5 m या फिर m by 2 का मतलब क्या होता है सेमी मोलर, 0.1 m और m by 10, 0.01 m और m by 100, 0.001 m और m by 1000, किसके इक्वल होते हैं बेटा, ये होता है डेसीमोलर, ये होता है सेंटीमोलर और ये होता है बेटा मिलीमोलर के इक्वल, और ये सब जो है ना टोटली जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं सारे के सारे। जब क्वेश्चन है बेटा फ्रॉम मोलैरिटी वाला तो ये आपका हो गया है, मुझे क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे उसी क्वेश्चन को एक बार, From molarity and molality, which depends on temperature. कौन करता है molarity? क्योंकि volume, temperature, volume जो होता है वो change होता है। ये था बेटा आपका सॉल्यूशन कांसेप्ट, आपका सॉल्यूशन कांसेप्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो यहाँ तक डिस्कस करेंगे आप लोग इस टॉपिक के अंदर। बेटा प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, प्लीज चीजें को फैला सकते हो तो फैलाएं अपने रिलेटिव्स के पास अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है, जितना आप उसको डिस्कस करेंगे उतना मेरे लिए बेटर है, उतना आपके लिए अच्छा है, तो जितना बच्चा सीखेंगे बच्चे सीखेंगे उतना उनके लिए बेनिफिट हो, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। कुछ समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, मेरा जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है वो उन पर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आगे आगे जो टॉपिक बनेंगे मैं अपना पर्सनल नंबर भी डाल दूंगा ताकि मुझे कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो हम उसे पूछ सके, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं भी आपके अच्छे से अच्छे लेक्चर और प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू।